नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज बात करता हूं वरुण गांधी की। वरुण गांधी को बीजेपी का कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं कट्टर दुश्मन हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं कि वरुण गांधी सांसद हैं बीजेपी के, और उनको जिस तरीके से बीजेपी ने हाशिए पर रखा है, हालांकि वरुण गांधी जो है वो गांधी परिवार के फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस न चुन करके कहेंगे विचार कहते हैं कि विचारधाराओं की लड़ाई थी, और कहीं ना कहीं उनकी जो माता है, जो माँ है, वो अलग हो गई और सोनिया गांधी अलग हो गई, लेकिन उन्होंने दामन थामा बीजेपी का। हालांकि राजस्थान जब राजनाथ बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब वरुण गांधी की तूतू बोलती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा यह जाता है कि वरुण गांधी का राजनीतिक करियर ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उनको हाशिए पर रख दिया है। बीजेपी कोई भी उनको तवज्जो नहीं देना चाहती है कहीं भी। अगर प्रचार, हालांकि यूपी में देखा गया था कि वरुण गांधी को CM बनाने के लिए एक मांग उठी थी बहुत ज़्यादा, और CM बनाने के लिए युवाओं की जो शक्ति थी वो कहीं ना कहीं वरुण गांधी के लिए ही थी। लेकिन वरुण गांधी को CM बनाने की तो बात छोड़ दीजिए, प्रचार प्रसार के लिए भी कहीं ना कहीं उनको शामिल नहीं किया गया। अब जो है वो कहीं वो वरुण गांधी अब बीजेपी के खिलाफ कहीं ना बोलते रहते हैं, वो हर समय बीजेपी के विपक्ष में खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनको कुछ नहीं बनाया गया है, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया है, कहते हैं कि मोदी और अमित शाह के राज में कई लोगों का यही हाल हुआ है। हालांकि वरुण गांधी हमेशा खपा रहते हैं बीजेपी से, और उनके भले ही सामने जाकर के या ख़ास तौर पर देखा जाए तो वो सामने नहीं बोलते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने बयानों के कहीं ना कहीं तीखे तेवर से, चुटीली भाषण से कहीं ना कहीं वो अपने बयान, जो दिल की बात होती है, वो निकालते रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि वंशवाद की राजनीति के तौर पर सीधा कटाक्ष कांग्रेस के लिए किया है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से अस्वस्थ नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही ये चाहती है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, तो एक भाई से दो भाई कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपको बता दूं कि सांसद वरुण गांधी ने यह माना कि उन्हें वंशवाद की राजनीति का लाभ मिला। वरुण गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रांची में उन्होंने पहुंचे तो उन्होंने वरुण गांधी ने कहा है कि अगर वे एक राजनीतिक परिवार से ना होते तो 29 साल की उम्र में वे सांसद नहीं होते। वरुण गांधी गुरुवार को रांची में आयोजित यूथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। 38 साल के वरुण गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से 2009 में सांसद चुने गए थे। फिर इसके बाद में अभी वे सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नए और योग्य युवाओं को मौका देना चाहिए। यानी कि वो भले ही वंशवाद की राजनीति के तौर पर कहीं ना कहीं उभर कर 29 साल में वो बन गए थे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वंशवाद की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए, वंशवाद राजनीति में नहीं चलना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है। हालांकि वरुण गांधी को बीजेपी ने जिस तरीके से एक कहते हैं कि कोई दूध में माछी गिर जाती है तो उसको यूँ फेंक दिया जाता है, इसी तरीके से वरुण गांधी को कहीं ना कहीं एक तरफ रखा हुआ है। हालांकि वरुण गांधी ही नहीं, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी उनको कोई तवज्जो नहीं देती है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हुए, यशवंत सिन्हा हुआ है, जो शूरी हैं उनको भी कहीं ना कहीं
तवज्जो नहीं देती। हालांकि क्या है अंदर खेमे में, क्या चलता रहता है बीजेपी के और क्यों इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। हालांकि सामने ये है कि बीजेपी के पास जो अभी नेता है, अमित शाह हुए जो मोस्ट नेता जो ने माल मुख्य चेहरा जो है, अमित शाह हुए, प्रधानमंत्री मोदी हुए, सुषमा स्वराज हुई और नितिन गडकरी हुए, अरुण जेटली हुए, तो कई ऐसे जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं 50-60 उम्र क्रॉस कर गए। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी में यंग कोई नेता है कि अगर इन इनके बाद कोई हो जो बीजेपी का नेतृत्व तो कर सके, कोई ऐसा यंग नेता के तौर पर है? अगर नहीं है तो क्या 5 साल बाद यही नेता अपनी राजनीति को यूं निरंतर चला पाएंगे? क्योंकि एक उम्र होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखने लगती हैं। हालांकि वरुण गांधी और अनुराग ठाकुर, कई ऐसे राजीव प्रताप रूडी, ये ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की कमान को बहुत अच्छे से थाम सकते हैं, और यंग नेता के तौर पर इन्हें बाहर यंग नेता के तौर पर इनको लाना चाहिए, जिससे एक नई इबादत, एक नई चीज़ें लिखी जा सके। अब वरुण गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2009 में सांसद चुने गए थे। अभी वे सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नए और योग्य युवाओं को मौका देना चाहिए, और जो राजनीतिक परिवारों से नहीं है, कहाँ की चुनाव आयोग, सीएजी जैसी संस्थाओं को और पारदर्शिता बनाया जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोफेशन में युवाओं के लिए रास्ता आसान नहीं है। अगर वे खुद एक राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं होते, शायद 29 साल की उम्र में सांसद नहीं बन पाते। वरुण गांधी ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि उनकी संसदीय क्षेत्र में युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार ऐसा ना हो जो किसी पंचायत प्रधान का बेटा हो, बेटी हो या रिश्तेदार हो। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने नामांकन कराना था, उसमें से 60% को जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि किसी तरह राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नए युवाओं के उम्मीदवार बनाए, यानी कि वो राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए नजर आए कि उन्हें किस तरीके से चुनाव प्रचार में लोगों को उतारना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। उन्होंने, यानी कि वरुण गांधी ने यह भी कहा है कि वेतन बढ़ाए जाने को शर्मनाक बताया, सांसदों को का वेतन बढ़ाए जाने के शर्मनाक बताया। कहा कि वे सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका वेतन बढ़ाए जाने का जो सिस्टम है उसके खिलाफ है। सिर्फ हाथ उठाकर सांसदों का वेतन बढ़ा दिया जाता है। हालांकि सुख सुविधाओं के ऊपर तो कहीं राजनेता ही मलाई खाते हैं, बाकी जनता जो होती है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बैठी रहती और ताकती रहती, मजदूरी करती रहती। हालांकि वरुण गांधी के बारे में अगर समझ में यही आता है कि उन्होंने वंशवाद की राजनीति को खत्म करने की सीधी सी बात, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वरुण गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं, अब उनकी चाहे पॉलिटिकल समझ सोच हो, वो कहीं ना कहीं गर्दिशों में चली जाती जा रही है, और वो जिस तरीके से बीजेपी से पूरी तरीके से दूरियां बना रखी हैं, क्योंकि दूरियां बनाने की एक मजबूरी ये भी होती है कि वो जब कोई पार्टी आपको तवज्जो नहीं देती है, आप वहाँ क्यों टिकेंगे? और यही चीज़ वरुण गांधी को देखने को कि वरुण गांधी हालांकि वंशवाद के परिवार, एक गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, सारी चीज़ें उनके पास एक शक्ति है, लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उनको हाशिए पर रख दिया है। तो अब क्या बीजेपी का साथ छोड़कर वरुण गांधी किसी और दल में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वरुण गांधी की जिस तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कटाक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी यानी उन पार्टियों के लिए है, बीजेपी के लिए तो है ही, क्योंकि वो बिना ही टारगेट किए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक चुनौती ये है और कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो
इस वंशवाद की राजनीति को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.